अस्सलाम वालेकुम, अब आ गए हम लोग सूप पीने के लिए। जो कि अंकल कॉर्न सूप पियेंगे, चिकन कॉर्न सूप, ये है फेमस यहाँ का फेमस सूप। तो आइए जल्दी चलते हैं, बनवा लेते हैं एक। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कौन कौन सी सूप की वैरायटी है यहाँ पे? चिकन कॉर्न सूप सादा भी मिलेगा, चिकन कॉर्न सूप बटे वाला भी मिलेगा, और यखनी भी हो गई, यखनी बटे भी। सीजन ऑफ हो गया, सीजन ऑफ हो गया है। तो एक मिनट, सादे वाले के प्राइस क्या अंकल? 120। और अंडे वाले के? 150। भाई सादे वाले कॉर्न सूप के हैं 120 और अंडे वाले के हैं 150। तो अब हम बनवा लेते हैं, दो बना दे अंडे वाले हम बनवा लेते हैं सूप इनसे। ये देखिए भाई, अब हम इनको देखेंगे सूप बनाते हुए। इन्होंने अंडा छील लिया, ये देखें सारे सूप के मसाले रखे हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आके सूप पीना चाहते हैं तो आइए। ये है कबाब जी एक्सप्रेस लिखा हुआ है, वहीं उसी के बिल्कुल सामने जो है वो है आपको अंकल के नाम से। ये अंडे तल गए हैं, सर्दियों का मौसम है और गर्मा गर्म सूप तो बनता ही है। हम लोगों ने सोचा खासकर यहाँ के फेमस सूप पीकर देखें। मसाला आप एक में अच्छा खासा डाल दें, एक में कम रखिएगा। ये हॉट सॉस, ये चला गया सोया सॉस, ये विनेगर में डाली हुई है जी, विनेगर। और ये क्या है? पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी भी डाल दे, सही डाल दे। ये क्या चीज़ है? अदरक। अदरक डाल दे, जिंजर, ये बारीक पीसी हुई जिंजर, ब्लैक पेपर। ये मसाले हैं इनके, नहीं ये क्या है? काली मिर्च जी। अच्छा काली मिर्च है, ये चिकन आ गई इसके ऊपर, और हरी मिर्ची भी डाल दें हम एक में। ये कॉर्न डल गए, स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न डल गए। ये देखिए, अच्छा भाई इसकी शक्ल बता रही है कि ये तो लग रहा बहुत जबरदस्त है, पानी पूरी भी है मैम। सही है भाई, ये देखिए इसकी शक्ल बेहतरीन हुई हुई है। और ये आ गया हमारा स्पाइसी चिकन कॉर्न सूप अंडे वाला। और क्या ला रहे हैं? पानी पूरी वगैरह। अब चलें इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये कितना अच्छा है। ये दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी गार्निशिंग कर रही है। असल में दोरा जी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर चीज़ देते हुए इन लोगों ने गार्निशिंग बहुत अच्छी की थी हर चीज़ की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट करते हैं, चलें फिर बताते हैं। बहुत अच्छा है, बिल्कुल यखनी जैसा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। जो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, ये है भी बहुत थिक, देखिए अब सूप इतना थिक हुआ हुआ है, बहुत मज़े का है। हर चीज़ का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आ रहा है, स्पाइसी बिल्कुल बराबर है, और नमकीन भी बहुत अच्छा हुआ है। मतलब इतना नमकीन है, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं है, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल है, मज़ा आ गया इसको पी के। अगर आप लोग ये पीना चाहते हैं तो ज़रूर आए अंकल सूप वाले के पास। स्टॉल और यहाँ पे आए आप, ठीक है, बिल्कुल बैनर लगा हुआ है यहाँ पे लास्ट में ही आगे, थोड़ा जी के एंड पे जो है ना वो यहाँ पे इनका ठेला लगा हुआ है। स्टॉल आप यहाँ पे आए, ज़रूर पीजिए, सर्दियों में इसको पीना बनता है।
अच्छा लगा दोरा जी? मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अभी लास्ट टाइम हम लोग ने बर्न स्टोर का टूर किया था, उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहे वो चाट हो, गुलगप्पा, स्पाइसी और हमारे मतलब का है जैसा हमें चाहिए होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पी के और खा के दिल अजीब सा हो गया कि नहीं मज़ा नहीं, मतलब टोटल पैसे वसूल है। हाँ, पैसे वसूल वाली चीज़। अरे आपको कैसा लगा? यहाँ की थाली बहुत अच्छी लगी, मुझे यहाँ क्या ना गोला खंडा जो मुझे बहुत मज़े का लगा, जबकि मैंने वहाँ भी खाया था, बंस रोड पर भी खाया था, लेकिन मुझे यहाँ का ज़्यादा मज़े का लगा, बहुत मजे का था, बहुत लोड था। आप भी आइए यहाँ पे खाइए और एंजॉय कीजिए और अपने रिव्यूज दीजिए। बिल्कुल, हमारे चैनल पे आप लोग आए और रिव्यूज दें, बताएं, कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।